इस्लाम के आप सब्सटेंस के ऊपर बात करें तो इस्लाम इन्हीं बातों की तरजीह देता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि माशरे के अंदर कानून की अमलदारी होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लोगों के बुनियादी मसाइल का हल होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि गरीब और अमीर के बच्चे को किसी एक ही स्कूल के अंदर पढ़ना चाहिए, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अवाम के जो हुक्मरान हैं उन्हें अवाम को जवाबदेह होना चाहिए। निज़ाम की तब्दीली की जरूरत उस वक्त महसूस होती है कि जब वो लोग जहां पे आबादी हो उन लोगों के तकाजों की जरूरत महसूस हो, उन लोगों का दायरा कार उसमें वसत पैदा हो, हालात में तब्दीली आ जाए, तो इन जरूरियात के पेश नजर एक निज़ाम की तब्दीली की जरूरत महसूस होती है। और अब भी अगर हम नहीं जागते, अब भी अगर हम उस कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साए तले जमा नहीं होते तो ये बदकिस्मती की आखिरी हद होगी। निजाम की तब्दीली के लिए अमली तौर पर कोशिश करनी होगी और बासलाहियत आदमी के कंधे के साथ कंधा मिलाना होगा, बातों से कुछ नहीं होगा। यह तभी मुमकिन है, सारी कौम जागे, शौर की आंख खोलो और देखो कि ये सारे के सारे डाकू चोर खाइन क्या हमारे लिए रह गए हैं, हमारे लिए हमारे मुल्क में कोई काबिल शख्स ही नहीं रहा जो यहां का निजाम बेहतर कर सके, जो रेलवे को बेहतर कर सके, जो स्टील मिल को बेहतर कर सके, जो पीआईओ को बेहतर कर सके, जो अदलिया का निजाम बेहतर कर सके, जो यहां पर बेहतर इंसाफी करेगा ये चोर दोबारा ना आ सके, कोई नहीं यहां पर। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है तंजीम इस्लामी की कि ये विजन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, आपको जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब्दीली ये नहीं ला सकेगी, आप लाएंगे। और मोहतरम अजीज भाइयों, जिहाद के निजाम के जरिए दुनिया के ऊपर खिलाफत का निजाम कायम होगा, जिहाद के जरिए कायम होगा, दुनिया के ऊपर मुसलमानों को इज्जतें मिलेंगी जिहाद के जरिए मिलेगी, दुनिया के ऊपर इस्लाम को तहफ़ुज़ मिलेगा जिहाद के जरिए मिलेगा, दुनिया के ऊपर काफिर की साजिशें टूटेंगी जिहाद के जरिए टूटेंगी। ये जमहूरियत निजाम है क्या? ये तो एक बेजान मैकेनिज्म का नाम है जो मौजूद अवाम में से कुछ को यह हक देती है कि वह दूसरों पर हुक्मरानी शुरू कर दे, इसके ज्यादा इससे आगे तो कुछ भी नहीं है। इसके मुकाबले में हमारा दीन इस्लाम, जिसकी जो है वो बुनियादी चीजों को हमें परवान चढ़ाने की जरूरत है, उसके एक एक नुक्ते पर गौर कीजिए। इस्लाम ईमान की बात करता है, ईमान बजाते खुद एक ताकत है। हर काम की अपनी एक तरतीब है, जब वक्त है ऑर्गेनाइजेशन का, तंजीम का, उस वक्त लड़ाई करना चाहिए यह हिमाकत है, और जब वक्त है लड़ने का उस वक्त अपनी तंजीम बनाना चाहिए यह हिमाकत है, जब वक्त है तालीम का उस वक्त तालीम की बजाय जो है वो किसी और काम में लग जाना हिमाकत है, वेलफेयर के काम में लग जाना, और जब इस्लामी रियासत के कायम हो जाने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है उस वक्त जो है वो तबलीग के अंदर लग जाया जाए, ये भी एक हिमाकत है। وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيهِ فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم बिमा कुंतुम फी तख्तलिफून।
صدق اللہ العظیم. اب وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں اسد علی کو کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے, سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے, جو اشک ندامت میری آنکھوں سے گرا ہے, سرکار کے قدموں کے ہٹتی نہیں سرکار کی سیرت سے نگاہیں, ہٹتی نہیں سرکار کی سیرت سے نگاہیں, ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے, ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے, سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے, کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو, کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو, جس کو ہے میری لاج وہ لج پال بڑا ہے, جس کو ہے میری لاج وہ لج پال بڑا ہے, سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے, جینے کا دیا ہے تیری سیرت نے قرینہ, جینے کا دیا ہے تیری سیرت نے قرینہ, قرآن مجسم تیری ہر ایک ادا ہے, قرآن مجسم تیری ہر ایک ادا ہے, سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے, دامن میں چھپا لو کے پشیمان ہے خالد, دامن میں چھپا لو کے پشیمان ہے خالد, آخر کو تمہارا ہے برا ہے کہ بھلا ہے, آخر کو تمہارا ہے برا ہے کہ بھلا ہے, سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے, جو اشک ندامت
मेरी आँखों से गिरा है सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है। हदिया अकीदत पेश कर रहे थे असद अली। हजरात गरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी एहसान व नाम से आज हमने इस सेमिनार का इनेकाद किया जिसका मौजू आप लोगों के सामने है। हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान में हर तरफ निज़ाम की तब्दीली के नारे गूंज रहे हैं जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस मौजू के हवाले से बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जाता है। सियासी मैदान में भी इनकलाब इनकलाब के फल शगाफ नारे गूंज रहे हैं। हमारे दानश्वर भी इस मौजू पर ज़ुबान और कलम से अवाम से मुखातिब हैं, लेकिन इस तमाम भाग दौड़ के बावजूद हमें इस सवाल का जवाब मुश्किल से मिलता है। लिहाजा इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए आज हमने इस सेमिनार का इनकाद किया है। आज इंशाल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तकारीर में ये मौजू मुख्तलिफ पहलुओं से ज़ेर बहस आएगा जिससे सामईन की इल्मी तशनगी पूरी होगी। मैं आप सब हजरात से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम मुकर्रीन की बात गौर से सुने। अब मैं बिला किसी तखीर खुतबा इस्तकबालिया के लिए दावत देता हूँ डॉक्टर तारिक ज़मान साहब को कि वह तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो अज़ीज़म फरहान ने कुछ बातें आपको बता ही दी हैं। यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इनकलाब इनकलाब की आवाज़ें हैं और बहुत सारे लोग अपने ब्रांड्स मार्केट में लेके फिर रहे हैं। तो इस हवाले से हमने सांगला हिल के लेवल पे इस बात को महसूस किया कि क्यों ना अहलु राय जो अफराद हैं उनसे राय ली जाए, जो लोग ज़हन रखते हैं और जो लोग दीन की बात लेके चल रहे हैं उनके दरमियान एक मुबाहसे का इनकाद किया जाए। मैं सिर्फ हाजिर से ये गुजारिश मुकर्रीन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी बात को मौजू के ऊपर रखें, बराह-ए-रास्त किसी पर तनकीद करने से गुरेज़ करें। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यकीनन उनके ज़हनों में सवालात होंगे, अगर कोई सवाल करना चाहता है तो उसके लिए हमने इस प्रोग्राम के बाद एक अलहदा से नशिस्त रखी हुई है, उसमें वो सवाल करें। और यही बातें हैं, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब मैं बिला तातुल फरहान से कहूँगा कि वो प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू। सहर होने को आई है, सितारे डूब जाएंगे, वो तूफ़ान उठेगा, किनारे डूब जाएंगे, मेरी मानो चलो मुंजदहार में मौजों से टकराएं, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएं। अब मैं दावत देता हूँ फ़कीम नकवी साहब को जो हेड ऑफ दी पार्टी, स्टेज पर तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुर्सलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल कुरआनिल मजीद व फुरकानिल हमीद व मन अअरज़ अन ज़िक्री فإن له معيشة زنكا صدق الله العظيم। हाज़रीन महफ़िल, जैसा कि अभी खुतबा इस्तक़बालिया में ज़िक्र किया कि हर जानिब इनकलाब इनकलाब का एक नारा है, हर बंदा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ज़हन में ये ख़्याल लिए कि शायद ये जो इनकलाब के नारे हैं इसमें हम राह हक पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इस वक्त तरक्की की अजीम मनाजिल तक पहुंच चुका। अगर आप देखें जो इल्मी शऊर है उसकी कैफियत जो इस दौर में है वो पहले कभी ना थी। कहीं पर कंप्यूटर है, कहीं पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इल्म है, कहीं पर सीडीज़ के ज़रिए इंसाइक्लोपीडियाज़ का ढेर है, कहीं पर मुआइज़ हसना वीडियो तकारीर और बहुत कुछ, यानी इल्म का हसूल जो है वो इतना आसान हो चुका।
इल्म के ज़राए इतने आसान और आम हो चुके कि जो पहले कभी न था। लेकिन अगर हम चश्मे तसव्वुर में उस दौर को देखें कि आज से गुजरे हुए 50-60 साल को ले लें और अपनी हालत ज़ार का अगर हम मुवाज़ना करें, तो बिलाशक व शुबा हमारी आँखें, हमारा दिल इस नतीजे पर पहुँचता है कि इतनी तरक्की के बावजूद, इल्म के आम हो जाने के बावजूद, हम पस्ती की जानिब, पस्ती की राह में डूबते चले जा रहे हैं। हमारी पूरी कौम इखलाकी तनज़ुल का शिकार है, और ये जो हालत है ये दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का सेमिनार जो जिसका यहाँ पर इनकार किया गया, इसकी ज़रूरत थी ताकि अवाम को ये शऊर अवाम में बेदार हो कि आज हमें अपनी हालत को किस तरह से बदलना है, किस लाहे अमल को हमने अपनाना है। तो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि 14 अगस्त 1947 को जब इस ममलिकत का ज़हूर हुआ, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना था, और इस ममलिकत का ज़हूर होना कोई मामूली बात न थी। हिजरत मदीना के बाद ये पहली ममलिकत है कि जो कि हिजरत की वजह से वजूद में आई। ज़रा गौर कीजिए कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उल्मा उस दौर में भी मौजूद थे, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग मौजूद थे, लेकिन एक मर्द हक ने, मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह ने, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद की, और तमाम मुसलमान अपने तमाम मकातिब फ़िक्र से अलहदा होकर एक कलमे के साए तले इकट्ठे हो गए। और कितना मुश्किल मरहला था वो, अपने घर बार को छोड़ देना, और ये भी मालूम नहीं कि जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर हम पे क्या बीतेगी, हमारे कारोबार का क्या होगा। और तो और कि जब हिजरत के ये काफ़िला अपने घरों से चलता है तो मसाइब व आलाम की दर्दनाक दास्तानें हैं, ऐसी सऊबतें हैं कि जिनको बर्दाश्त करके वो काफ़िला यहाँ पर आया। पर सवाल ये है कि वो जो हिजरत थी उसका मकसद क्या था, मकसूद क्या था, कि उन मुसलमानों में जो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये नारा था उस दौर में, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम तले वो इकट्ठे होकर इस उमंग को दिल में लेकर निकले। बड़े बड़े उलमाए कराम अपने घरों से चल पड़े, कईयों को अपने वालदैन की जुदाई को बर्दाश्त करना पड़ा, उनकी जुदाई और के सदमों को बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन वो तमाम मुसीबतें और सऊबतें सिर्फ इस बात पर सह गए कि हम एक आज़ाद इस्लामी ममलिकत में जाएंगे और वहाँ पर हमें इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए हसना में अपनी ज़िंदगी के रंग को रंगने का मौका मिलेगा। इश्के मुस्तफ़ा में डूबकर इस ज़िंदगी को हम गुजारने का ढंग सीखेंगे, और उसी माहौल में हमारी आने वाली नस्लों को पनपने का मौका मिलेगा। ये तमाम जज्बे, ये तमाम उमंगे लिए वो हिजरत पाकिस्तान की जानिब हिजरत कर गए, और हिजरत के तहत बहुत बड़े मसाइब आलाम और कुर्बानियों के बाद एक कलमा तैयबा के ऊपर इस मुल्क का ज़हूर हुआ। और ये ज़हूर होना कोई मामूली बात न थी, ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम था कि उसने हमें हिंदुओं के जबर व इस्तदाल से निकाल कर हमें ये मौका फराहम कर दिया कि ऐ मुसलमानों, आज मैंने तुम्हें एक आज़ाद सल्तनत अता कर दी, आज मैंने तुम्हें ये मौका अता कर दिया कि तुम यहाँ पर इस्लाम को रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर चलकर इसे दोबारा ज़िंदा करोगे, इसे एक नई तजल्ली बख्शोगे, इस्लाम की रूह को समझ पाओगे। लेकिन जब आज के मुसलमान को हम देखते हैं, जब आज के मुसलमान की हालत पर हम गौर व फिक्र करते हैं, तो दिल खून के आंसू रोता है, रूह तड़प उठती है। और कुरान पाक की ये जो आया मुबारका जो मैंने अभी तिलावत की थी कि वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि जिसने मेरी नसीहत से, जिसने मेरी याद को छोड़ दिया,
जो मुझे भूल गया तो ये जिंदगी उस पर तंग कर दी जाएगी। आज जरा चश्मे तसव्वुर में मुसलमानों की हालत ज़ार को देखिए कि जिस जानिब नजर दौड़ाइए ता हद नजर हमें यही दिखाई देता है कि मुसलमान हर जगह पर जलील ख्वार हो रहा है। जिल्लत और पस्ती यूं महसूस होता है कि उसका मुकद्दर बन गई। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कि वो इस्लामी शायर, वो इस्लामी नज़रियात और कलमा तैयबा की रूह को हम भूल गए। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया की सदा से हम दूर हो गए। अल्लाह की रस्सी को हमने छोड़ दिया। और इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम का जो हकीकी तसव्वुर था उसे हमने खुद अपने हाथों से मसख करके रख दिया। इस्लाम तो एक दीन है और दीन एक बड़ा जामे लफ्ज है। इस्लाम तो मजमूआ है हुस्न जमाल का, खूबसूरती का। इस्लाम तो मजमूआ है लताफत का, लेकिन आज के मुसलमान ने उस इस्लाम का चेहरा मसख करके रख दिया। बल्कि अब तो मैं ये यूं कहूँगा कि एक दौर था कि जब मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा अपने अपने प्रचार करते थे और फिर कावारियत का ये जो अंसर था इसने हमें हिला कर रख दिया। लेकिन अगर हम आज के मुसलमान के ऊपर गौर करें तो वो तो इससे भी बहुत दूर चला गया। उसके जहन में तो इस्लाम का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। हम बात करते हैं फ़िरकावारियत की, हम बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स की, लेकिन ज़रा आज के नौजवान का आप किरदार तो देखिए कि उसे तो इस्लाम का नाम ही भूलता चला जा रहा है। बाकी बातें तो बाद में शुरू होती हैं। तो इस वक्त ये जो लम्हा है, ये दौर इस बात का शदीद तकाजा करता है कि जिस तरह क़याम पाकिस्तान के वक्त हम एक परचम, एक कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा लेकर बगैर किसी रंगो नस्ल की तफरीक के, बगैर किसी मकतबा फिक्र से तल्लक रखते हुए एक कलमे के ऊपर आज हम उस दिन हम इकट्ठे हुए थे। और आज का दौर तो मुतकाजी है कि हम उसी जज्बे को फिर से जिंदा करें, अपने तमाम फरोई मसाइल को बलाए ताक रखते हुए, कुरान के अहकाम पर अमल करते हुए रजू इल्लाह की जानिब तमाम कौम को राग़िब करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तबलीग दीन के लिए मुख्तलिफ जमातें हैं, हर जमात अपने अपने अंदाज से कोशिश कर रही है और मीडिया भी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बहुत आम हो गई, लेकिन ये जो कैफियत है कि जो तब्दीली निज़ाम में आ नहीं रही बल्कि सरापास मुसलसल ये निज़ाम जो है तनज़ुल की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह मुसलमान अगर कुरान को देखे, कुरान पर गौर व फिक्र करे तो हर सवाल का जवाब कुरान में मिलता है, क्योंकि कुरान जो है ये ताक़यामत रहने वाली किताब है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं अराइता मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु, कि क्या तुमने उस शख्स को देखा कि जिसने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया। तो आज अगर हम अपने चारों जानिब नज़र दौड़ाएं तो ये चीज़ हमें नज़र आती है कि वो खलूस नीयत जिसका मुतकाजी है ये तबलीगी निज़ाम, उस खलूस नीयत की कमी हो गई। हमने दुनियावी जाहो जलाल को इस रस्ताए दीन में भी, दुनियावी जाहो जलाल को अपना मकसद बना लिया। दीन की राह पर हम निकलते हैं तो दिल के अंदर ज़मीर में ये ख्वाहिश छुपी होती है कि हमें इज़्ज़त मिलेगी, लोग हमारी इज़्ज़त व तकरीम करेंगे, हमें जाहो जलाल मिलेगा, हमारी माली एयानत होगी। और इस तरह के मामूलात जब खलूस नीयत दिल से ख़त्म हो जाए तो फिर आप तबलीग दीन के लिए निकलेंगे तो उसमें असर नहीं होगा। तो बात यह है कि आज नबी किस लिए आए थे? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम, कि उनका काम क्या था? किताब व हिकमत की तालीम देना। और आज जो दौर हमें नज़र आ रहा है, किताब व हिकमत की तालीम वो तो हर जानिब नज़र आती है, मीडिया बहुत आम हो चुका, लेकिन जो दूसरी बात युज़क्कीहिम तज़किया नफ्स, ये वो असल मामला है कि जब तक तज़किया नफ्स नहीं होगा सारी मनाजिल जो है तब्दीली की वो इस तज़किया नफ्स से शुरू होती हैं। अगर हम बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख पर नज़र डालें तो खानकाही निज़ाम में यहाँ पर इतने बड़े बड़े औलिया-ए-किराम गुजरे,
अगर आप उनके किरदार का मुतालिया करें, उन्हें देखें, तो आपको समझ में आएगी ये बात कि वो हस्तियाँ वो खाक नशी थीं, लेकिन उनकी पहुँच अर्शे मौला तक थी। उन्हें ये मुकाम कैसे मिला कि दुनियावी जाहो जलाल की रग़बत उनके दिलों से ख़त्म हो चुकी थी। वो पेवन लगे कपड़े पहनते थे और अल्लाह रज़ा बरज़ाए इलाही में खुश रहते थे, और इसी से उन्हें ये मुकाम मिला कि वो युज़क्कीहिम, कि वो मुज़क्की बन गए। उनकी सोहबत में जो लोग आते थे उनका तज़किया नफ्स हो जाता था। और आज ये खानकाही निज़ाम जो है, जब ऐसे लोगों की इसमें कमी हो गई, इसका शेराज़ा बिखर गया, तो आज ये जो नताइज है वो हमारे सामने हैं। तो हाज़रीन महफ़िल, इस वक्त ज़रूरत इस अम्र की है कि हम इनफरादी तौर पर अपने दिल को बदलने की कोशिश करें, और इन हर मुसलमान दीन इस्लाम का परचम लेकर निकले। और अपने दिल में एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक मुसलमान के दिल में, एक कलमा गो के दिल में, किसी कलमा गो के लिए राई बराबर भी नफ़रत का जज्बा पैदा नहीं होना चाहिए। इन नफ़रतों को ख़त्म कर दीजिए। अब तो दौर ऐसा आ गया है कि जो नापसंदीदा तरीन कुव्वतें हैं उन्हें पसंदीदा तरीन कहा जा रहा है। अब हमारी पस्ती का आलम यहाँ तक पहुँच चुका, और अब भी अगर हम नहीं जागते, अब भी अगर हम उस कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साए तले जमा नहीं होते, तो ये बदकिस्मती की आखिरी हद होगी। मेरी दुआ है कि ऐ परवरदिगार, हम सबको तमाम मकातिब फ़िक्र को के मामूलात को एक तरफ रखते हुए एक कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तहत इकट्ठे होने का मौका दे। ऐ परवरदिगार, तो हम सब में अकुव्वत इस्लामी के जज्बे को ज़िंदा कर दे। हम जब अपने मुसलमान भाई से मिलें, कलमा गो से मिलें, तो दिल में मोहब्बत और खलूस और अकुव्वत इस्लामी का जज्बा बेदार हो जाए। और जब ये शऊर बेदार होगा, तो अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह हम वो दिन देखेंगे कि जब हम यहाँ पर इनकलाब आएगा, लेकिन इस इनकलाब के लिए इनफरादी तौर पर पहले और फिर इज्तमाई तौर पर हमें मिलकर इस कलमा तैयबा के परचम तले जमा होना होगा।